इस कोचिंग नेसेसरी फॉर यूपीएससी, कि किस किस मतलब किस किस बेसिकली आपको किस स्टेप पर हमें कोचिंग की बहुत नीड होती है, कि हमें कहाँ कहाँ पर हमें बहुत हेल्प करती है। हेलो एस्पिरेंट, माई सेल्फ चेतना, करियर साइकोलॉजिस्ट विद योजना आई। टुडे वी आर डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेरी फॉर ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट। इस कोचिंग नेसेसरी फॉर यूपीएससी, आप सभी एस्पिरेंट्स के माइंड में ये बहुत बड़ा डाउट रहता है कि क्या सच में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए नेसेसरी है। तो इसका जो आंसर है वो है यस। रीजन बिहाइंड, मैं आपको देखो आज कुछ पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ कि किस किस मतलब किस किस बेसिकली आपको किस स्टेप पर हमें कोचिंग की बहुत नीड होती है, कि हमें कहाँ कहाँ पर हमें बहुत हेल्प करती है। ठीक है, ये बेसिकली जो यस मैंने आपको लिखा है कि आपका 99% केसेस में आपका ये होता है यस। ठीक है, एक आध केसेस होते हैं जिनको हमें, जिन कैंडिडेट को प्रॉपर पहले से ही गाइडेंस मिलते हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड आप बोल सकते हो। ठीक है, फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ वो है सिलेबस कंप्लीशन। इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ड्यू टू प्रॉपर गाइडेंस एंड प्लानिंग द कोचिंग इंस्टीट्यूट कैन कंप्लीट द सिलेबस, यूपीएससी सिलेबस इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। सी, स्टूडेंट्स जो होते हैं, हर कोई गाइड नहीं होता। जिसे मैंने बताया पहले कि 99% जो कैंडिडेट होते हैं वो गाइडेड नहीं होते कि उन्हें कैसे अपना एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, क्या स्टार्ट करना है और कैसे इसको एंड करना है। ठीक है, सेकेंड इज प्लानिंग। देखिए, हम ना हम कितना ही हम लाइक अगर आपने आज टाइम टेबल बनाया है कि भाई तो मैंने टाइम टेबल आज बनाया, वही मुझे एंड तक इसको क्या करना है, यूज़ करना है, वो फॉलो करना है, तो हम नहीं कर पाते उसे प्रॉपर वे में। तो प्लानिंग जो होती है ना कि भाई किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, कैसे अपने स्टार्ट करना है, एनसीईआरटीज को हमें कितना पढ़ना है, कितने हमें पॉलिटी पढ़ना है, कितना हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो जो प्लानिंग होती है सब्जेक्ट्स डिवीजन की वो हम नहीं कर पाते प्रॉपर उनमें। लेकिन वहीं पर अगर आप कोचिंग अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो आपको क्या करता है, कंप्लीट कराता है सिलेबस यूपीएससी का, वो भी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, इस भी आप ईयर के लिए आप प्रिपेयर कर लो। ठीक है, वही प्रॉपर गाइडेंस एंड प्लानिंग के साथ। पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको कोचिंग के लिए वो है आपका सिलेबस कंप्लीशन, जो सिर्फ और सिर्फ हमें कोचिंग ही प्रोवाइड करता है। फाइन, नाउ सेकंड इज गेटिंग इंस्पायर्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंस। सी, इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। द फैकल्टी आर हैविंग पास्ट एक्सपीरियंस इन अ यूपीएससी फील्ड, सो इट बिकम हेल्पफुल फॉर द कैंडिडेट। जो भी फैकल्टीज टीचर्स आपको पढ़ाते हैं यूपीएससी, या फिर हम यूपीएससी नहीं छोड़ो, जो भी अगर हम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, जो भी कैंडिडेट उससे गो थ्रू होता है, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा उसके बारे में अच्छे से पता होता है कि हाँ भाई इसके हम इसको कैसे स्टार्ट करें, या फिर उन्होंने इस जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं। तो मेरा इस पॉइंट का एक्सप्लेन यही था कि फैकल्टीज जो होता है उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि भाई वो यूपीएससी फील्ड में उनके लिए क्या क्या चीज़ें हेल्पफुल रहे और क्या क्या नहीं है। मीन्स उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी थी, कि उन्हें प्रीलिम्स कैसे उन्होंने दिया। ठीक है, मेंस में उन्होंने आंसर आईटी में कहाँ पे मिस्टेक करी, तो आपको जो एक्सपीरियंस जो चीज़ सिखाते हैं ना वो आपको कहीं नहीं सिखाई। तो कहीं ना कहीं जो भी जिस जर्नी से गो थ्रू होता है वही आपको उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपको इंस्पायर पास्ट एक्सपीरियंस है ना वो आपको कहाँ से हमें प्रोवाइड होता है, फैकल्टीज द्वारा आपको प्रोवाइड होता है। नाउ थर्ड इज मॉक टेस्ट फॉर प्रिपरेशन। एवरी कोचिंग सेंटर ऑर्गेनाइज मल्टीपल मॉक टेस्ट फॉर टेस्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ कैंडिडेट। देखिए, आप कितना ही पढ़ लो इतने बड़े सिलेबस को, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपका पढ़ना कहीं भी वर्थ नहीं होता। तो मॉक टेस्ट की इम्पॉर्टेंस तो आप सभी को पता ही होगी कि भाई अगर आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सही कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, है ना।
तो मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस देखो बहुत होती है, तो कहीं ना कहीं देखो हम कोचिंग की इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट में कोचिंग की इम्पोर्टेंस ये होती है कि हम मार्केट से हम टेस्ट लेकर अगर खुद से पढ़ रहे हैं, खुद से टेस्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसे कितने टाइम ड्यूरेशन में दे रहे हैं, ठीक है, और उसे चेक कौन कर रहा है, कहाँ पर हम गलती फील कर रहे हैं, कहाँ पर हमारी मिस्टेक है, उसे ढूंढना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, प्रीलिम की मार्क्स की बात करूँ या फिर मेंस की आंसर राइटिंग, तो कोचिंग आपको क्या करती है, सब चीज़ में हेल्पफुल करती है कि आपको पूरा क्लास एटमोसफियर प्रोवाइड करती है, जिसमें इसमें तुम 10 एस्पिरेंट के बीच में आप बैठ के क्या करते हो, अपने टेस्ट देते हो, देन आपको टाइम मैनेजमेंट होता है उसमें प्रॉपर तरीके से, देन उससे भी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है परफॉर्मेंस, ठीक है। जो आप खुद को टच करते हो 4 कैंडिडेट या फिर 10 एस्पिरेंट्स के बीच में आप खुद को देखते हो कि आपका क्या परफॉर्मेंस है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट करता है, रोल प्ले करता है यूपीएससी एग्जाम में, ठीक है। तो टेस्ट, मॉक टेस्ट फॉर द प्रिपरेशन, तो कोचिंग ही आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट इज नोट्स मेकिंग, ठीक है। नोट्स मेकिंग जो होता है एक स्टूडेंट का बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे एग्जाम में, वो इसलिए क्योंकि नोट्स मेकिंग आपकी खुद का क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत होता है। अगर वहीं पर हम सेल्फ प्रिपेयर करते हैं तो नोट्स मेकिंग हम पूरे एग्जाम में क्या करते हैं, बनाते ही रह जाते हैं, हमें नहीं पता कि भाई हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स जब तक आप बनाना नहीं सीखोगे तो फिर हम इस चीज़ को नहीं कर पाते, फाइन। तो नोट्स मेकिंग देखिए आपको हेल्प कैसे करता है, द एक्सपीरियंस टीचर्स टीच द कैंडिडेट्स हाउ टू मेक क्रिप एंड शॉर्ट नोट्स फॉर द फाइनल रिविजन। देखिए नॉर्मल नोट्स जो होते हैं जो कि आपने ग्रेजुएशन में अपने स्कूल टाइम्स में भी अच्छे से बनाए हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना यूपीएससी हमें इतना कुछ हमें पढ़ना होता है इसमें, तो हमें जितना हो सके ना शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं की वर्ड्स पर, ठीक है। तो आपको कोचिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो आपका खुद का सर्चिंग पॉइंट होता है ना वो यहाँ पर एंड होता है। कोचिंग क्या करता है आपको, जो आपको आपकी जो नोट्स हम नोट्स जो आपको हम खुद के हमारे बने हम बने बनाए आपको प्रोवाइड करते हैं, इससे क्या होता है ना आपकी जो खुद की मेहनत होती है 75% की जो हमारी मेहनत होती है कि हम नोट्स बना बना कर नहीं कर पाते चीज़ों को, तो आपका जो फोकस रहता है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पोर्शन पर होता है, तो आपके जो नोट्स की जो हेल्पफुल आपको रहता है वो रहता है सिर्फ और सिर्फ कोचिंग आपको प्रोवाइड करता है, फाइन। देखिए नेक्स्ट इज गेटिंग रिसेंट अपडेट, इस पॉइंट्स को देखो मैं बताऊंगी, सेइंग अपडेटेड विद द लेटेस्ट यूपीएससी एग्जाम न्यूज बिकम इजी इफ यू ज्वाइन द कोचिंग, द फैकल्टी प्रोवाइड्स यू विद ऑल द लेटेस्ट न्यूज रिलेटेड टू द एग्जाम पैटर्न सिलेबस एंड ऑल, ठीक है। बेसिकली कोचिंग जो है आपको प्रोवाइड करता है अपडेटेड न्यूज, भाई किस भी ऐसे सपोज पॉलिटी है, पॉलिटी में जो भी करंट अफेयर में जो भी पॉलिसीज एड ऑन हुई अमेंडमेंट, तो रिसेंट का अपडेशन होता है ना वो आपको खुद से ही सब कुछ प्रोवाइड होता है। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा नोट्स मेकिंग का, तो आपकी जो खुद का सर्चिंग पॉइंट होता है ना वो यहाँ पर क्या होता है आपका जीरो हो जाता है। तो जो भी अपडेशन है चाहे हम बात करें पैटर्न में या फिर हम बात करें सिलेबस में, तो आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ जो अपडेशन प्रोवाइड करता है वो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग से ही हमें प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग, नेटवर्किंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इट योर कोचिंग इंस्टीट्यूट। नेटवर्किंग कैन हेल्प यू एक्सचेंज आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद फॉलो एस्पिरेंट। नेटवर्किंग का मतलब इससे ये है कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपको अपनी ही तरह आपको 10 एस्पिरेंट और आपको मिलते हैं, जहाँ पे आपका एक ग्रुप भी बनता है, ग्रुप में आप अपने आइडियाज आपकी जो भी आप जिस भी चीज़ को लेके आपके आइडियाज जो हैं बेसिकली यहाँ पे क्या होता है इन्फॉर्मेशन आप कितना रिलेवेंट होगी चीज़ें कितना अपडेटेड हो वहाँ पे हमारा एक्सचेंज होता है। कोई भी टॉपिक है अगर आप उस पर अपना व्यू अपना ओपिनियन रख रहे हैं तो सामने वाले का क्या ओपिनियन है आपको पता होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम में आपका सिर्फ और सिर्फ रटना आपका नहीं मैटर करता, आप कितने किसी चीज़ को लेकर अपडेटेड हो कितना उस इसको अलग अलग तरीके से सोच पा रहे हो आपकी जो इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा ब्रॉड है ये आपका बहुत इसमें हेल्पफुल रहता है, या फिर मेंस में
या फिर कह लो आपके इंटरव्यू में, क्लियर? नो द कंपटीशन. देखो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है आपका, एज देयर विल बी मैनी कैंडिडेट इन द यूपीएससी कोचिंग क्लास, यू गेट यू नो वेयर यू कैन स्टैंड अमॉन्ग दिस कैंडिडेट, दिस कैन बी गिव यू अ गुड पुश इन योर प्रिपरेशन. कोचिंग एक ऐसा है आप प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपकी जो कॉम्पिटिशन है यूपीएससी का वो आपको एक्चुअल में पता चलता है. सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो रहे हैं, जैसे कि भाई आप जहाँ भी आपका नेटवर्किंग है, आपका खुद का ओपिनियन किसी चीज़ को लेकर क्या है, आप कितना उस चीज़ को सोच पा रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आपके व्यूज क्या हैं, ठीक. और आप मॉक टेस्ट में आप कितना आप मार्क्स लेकर आ रहे हो अदर स्टूडेंट से, कितना कंपटीशन है, आप कितना खुद को कहाँ पे स्टैंड कर पा रहे हो, ठीक है. तो एक्चुअल का जो कंपटीशन है आपको कोचिंग से ही प्रोवाइड होता है, फाइन. तो ये जो थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको जो है नेसेसरी है अभी सभी कैंडिडेट के लिए कोचिंग. और जो मैं बात कर रही हूँ योजना आई एस से मैं बात कर रही हूँ, यह हमारा दिल्ली मुखर्जी नगर में है. अगर किसी को किसी तरह का कुछ मतलब किसी तरह की ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेज अगर ज्वाइन करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं.